विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। वहीं जिले में कांग्रेस संगठन की मजबूती को लेकर सभी नेताओं ने मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अलीराजपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता मिलन समारोह और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि क्षेत्र के मिनी कश्मीर कहे जाने वाले गाँव कट्ठीवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वहीं यह पूरा कार्यक्रम कांग्रेस नेता महेश पटेल के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसी के साथ मंच से एक एक कर सभी नेताओं ने भाजपा की योजनाओं पर तीखे शब्दों से प्रहार किया। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर विधायक मुकेश पटेल ने कहा कि कांग्रेस भी लाडली बहना बिटिया योजना के जरिए बहनों को मजबूत करेगी। भाजपा नेताओं पर हमला करते हुए जिले में बड़े स्तर पर चल रहे ड्रेस वितरण घोटाले मामले में महेश पटेल ने सीधे कलेक्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि आप जल्द से जल्द जांच कराइए, नहीं तो हम पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ कलेक्टर कार्यालय का जल्द घेराव करेंगे। साथ ही जिले की भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर भी महेश पटेल ने मंच से तंज कसे। वो मेरे को ऑर्डर दे दो ड्रेस, मेरे को दे दो ड्रेस, तो ये नौबत है जोबट विधानसभा में। लाडली बहना योजना को लेकर क्या लगता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? लाडली बहना जो कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, और लाडली बहना आप लोग रोज देख रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, जितना कि उसके पास साइकिल नहीं होना, उसके पास बाइक नहीं होना, उसके पास मकान नहीं होना, तो लाडली बहना को कहाँ से दे देगा मामा जी? मामा जी सिर्फ 2023 को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए लाडली बहना को याद कर रहा, लेकिन लाडली बहना बेचारी ठगा रही है। उल्टे लाडली बहना के खर्चे हो गए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये। कोई जहाँ से जा रही वालीराजपुर जा रही, कोई पंचायत में जा रही, बेचारे दिन दिन भर हो जाते, लेकिन अपडेट ही नहीं हो रहा। मामा जी ने ऐसा नियम ला के खड़ा कर दिया कि मामा जी के 2023 में विदाई है, इसलिए मामा जी ने सोचा कि 18 साल पहले क्यों नहीं किया, जब मुख्यमंत्री मामा जी थे, लाडली बहना का जब क्यों नहीं आता ही।